कोई कहीं 25,000 चंदा ले पाता है, कहीं 50,000, और कहता जरा नाम लिख दीजिए, कोई कहता है जरा दीवार पे वो नेम प्लेट लगवा दीजिए, और अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो कम से कम आप उसके लिए शॉल का इंतजाम करते हैं, फूल फूल डालते हैं उसके गले में, होता है ना। मगर अली सही का सिखा रहे हैं तुम तो खुदा के लिए तो नाम के लिए ना तो अल्लाह के तरीके को हमें चाहिएगा पूरी बंदी साधन। अब मैं जरा इसे सामाजिक तौर पर मैंने दिखा दिया, अब शरण थोड़ा सा इस तरीके को समझते थे शरण तरीके तरीका क्या। पर ये कसाई ने एक बकरा अपनी ताकत से जिबा किया, गर्दन काट दी, हलाल है? आप बताइए, हलाल नहीं है ना। अब इसी एक जोड़े को आपने अगर गौर किया हो तो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, एक कसाई ने अपनी ताकत से, एक कसाई ने अपनी ताकत से बकरा जिबा किया, हलाल है? आप कहेंगे नहीं होना, और मैं कहूं उसने इस्लामी तरीके से बकरा सेवा किया, हलाल है? बाप है जी, हलाल है। पता चला कि कसाई की पूरा 20-30 साल का तजुर्बा या उसकी ताकत इस सबीरे को, इस बकरे को हलाल नहीं करती, बल्कि तरीका हलाल करता है। मतलब ये है कि अगर तरीका छोड़ दो तो अच्छा खासा हलाल आराम हो जाता है। मैंने बहुत कुछ कहा है, अगर तरीका छोड़ दो तो अच्छा खासा हलाल आराम हो जाता। अच्छा ये भी देख लीजिए, अच्छा वो जो बकरा है वो अपनी जिंदगी जी के मर जाए, आप खा सकते नहीं खा सकते, पहले ही आपके लिए खत्म हो गए, समझ रहे आप? राम मैंने नहीं खा सकते। तरीके से अगर उसे जो तरीका बताया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए अगर वो अमल किया गया तो वह आपके हलाल है। आगे बात समझ, यदि जब आप तरीका छोड़ेंगे तो गुफ्तगु तो जहन में आपके, मैं क्या कह रहा था आपके साथ, तरीका तरीका अगर ठीक है, जुमला जहन में है, मैं जो समझा रहा था कि तरीका अगर तो किसी ने अगर आपको आधी दुनिया दी है तो आपको पूरा लगेगा, मगर अगर किसी ने आपको जलील करके तरीका छोड़ के, सखावत का जो तरीका था, आता का जो तरीका था, इनायत का जो तरीका था, वो तरीका छोड़ के उसने अगर आपको कुछ भी दे दिया आपको कुछ नहीं लगेगा, मगर तरीके से थोड़ा बहुत भी, मतलब इसे आम जबान में कहूं, अगर आप रोजेदार हैं उसने तरीके से छोटा सा खजूर का टुकड़ा आपको दिया तो भी उस तरीके की वैल्यू सामाजिक तौर पे वो करेगा। तो गुफ्तगु यह हो रही थी कि कसाई की ताकत से कुछ नहीं हुआ, वो जो हलाल हुआ वो तरीके से हुआ, और तरीका क्या? इस्लामिक तरीका। इस्लामिक तरीके से अगर उसने वो अमल किया है तो फिर वो हलाल माना जाएगा। तो अब जुमला यहां से फिर जो कह चुका ये ही आगे चलता हूं, क्योंकि अभी आपने देखा कि मेहमान आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें बहुत साफ और क्लियर हो ताकि आप भी समझे। हमारे यहां मजलिसों में जुमला कहा जाता है ना, खतीब आप तक कहता है कोई एक आदमी की भी समझ में आ गया तो मैं समझूंगा मैंने पूरी मजलिस पढ़ी। मैं भी ये कहता हूं और सभी ये कहते हैं, तरीका अगर आपका ठीक है आप एक्सेप्टेड हैं, तरीका अगर आपका ठीक नहीं है आप एक्सेप्टेड नहीं है। मैंने आपके सामने दूसरे की मिसाल दी कि तरीका छोड़ दोगे तो अच्छा खासा हलाल तुम्हारे लिए आराम हो जाएंगे। अब इससे आगे चलते हैं, हर चीज का तरीका है, तकबीर
तकबीरत लेना तरीका है ना, रुकू तरीका है, सजदा तरीका है, खड़ा होना कयाम तरीका, तशहुद तरीका है, दुरूद कहते हैं।
आलिम है वो राज जानता है। मगर वो हुरूफ जिनका वो तर्जुमा न कर सके, जैसे पूरी कुरान उठा के देखिए आपको अलिफ लाम मीम के नीचे अलिफ लाम मीम लिखा दिखाई देगा। भाई जब पूरी आयतों का तर्जुमा आपने कर दिया तो ये अलिफ लाम मीम कभी कर दो, बातों का तर्जुमा आसान है, किया जा सकता है। ये बातें नहीं है, ये राज है। बातें सब समझते हैं, राज सब नहीं समझते। तो एक बात तो है ना, बातें घर के बाहर वाले समझते हैं मगर राज घर के अंदर। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? दिल्ली आपका पॉलिटिकल कैपिटल सिटी है, एक बड़ा नेता जब आता है तो रामलीला मैदान में भीड़ जमा हो जाती होती है ना, फिर उसके बाद भीड़ धीरे धीरे अपने घर चली जाती और जो लीडर है वो अपने घर जाता है, फिर उसके साथ 10-12 गाड़ियां लगी रहती हैं, फिर कुछ लोग अपने अपने चौराहों पर अलग हो जाते हैं, फिर उसमें से चंद गाड़ियां उस लीडर के साथ उसके घर पहुंचती हैं, फिर घर में कहां तक जाती है, उस रूम तक जाती है जहां वो मेहमानों को कबूल करता है और मेहमानों से बातें करता है, फिर वो लीडर उनके घर के अंदर चला जाता है, फिर वो लीडर अपने बिस्तर पे लेट जाता है, फिर वो लीडर एक चादर ओढ़ लेता है। अब बताएं ये बाहर वाले उस चादर के अंदर जा सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए हमें से कितने ऐसे हैं जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटल में अजनबी मरीज के लिए एक किलो सेब लेके गए हो, एक साल में, 10 साल में, पूरी जिंदगी में, माफ कीजिएगा मैं फिर कहूंगा तुमने हुसैनियत समझाई, तुमने अलवियत समझी भी नहीं, तुमने मोहम्मदियत समझी नहीं। यहां की जो जिंदगी जो बच्ची अड्डा से आपको जिंदगी मिली, आप यहां साबित नहीं होते, आप साबित होते हैं बाहर। जब बाहर निकलते हैं तो आपको देख के कोई कहेगा यार कोई हुसैनी है, कोई हरी माता है, कोई हृदय माता है, कोई पंचतन माता है। रोज आता है सेब दे के चला जाता है, बताता भी नहीं, रोज आता है दवा दे के चला जाता है। अरे भाई ये आपके मौला अली की तारीफ है, मैं किसी और की नहीं पढ़ रहा हूं। दफन करके बेटा वापस पलट रहा है, रास्ते में चार लोग मिले, एक मरीज, एक मुश्किल में, एक भूखा, एक परेशान हाल। यही तो बात थी, रोते हुए लोगों से इमाम हसन ने पूछा ये क्यों रो रहा है, वो क्या कहता है जो मर्ज में मुबतला है कि वो जो आया करता था मेरे जख्म पे मरहम लगाने के लिए वो नहीं आया। ये किसकी सीरत है भाई? फिर हमने कहे खैबर में लड़ने की सीरत तो याद है, ये सीरत हम क्यों भूल गए? वहां जो अरे खैबर में लड़ाई की थी अभी ने, वहां लड़ाई की जरूरत थी, यहां जो मरहम लगा है यहां मरहम की जरूरत थी। अली की जिंदगी को एक नजरिए से ना देखो, जहां जिस चीज की जरूरत हो वहां वो चीज करो, जहां मरहम बताने में आपको समझा पाया कि अगर सरपरस्ती को समझना है तो अबू तालिब को पढ़ो, मुझे तो समझ में नहीं आता हमारे मुसलमानों को अबू तालिब का ईमान क्यों नहीं समझ में आता। भाई एक बात सोचो, एक वक्त आया पैगंबर पर जब लोगों ने बायकॉट किया, किया ना लोगों ने बायकॉट किया ना लोगों ने बायकॉट एक वक्त आया जब रसूल का बायकॉट लोगों ने किया, उनके साथियों का भी बायकॉट हुआ था कि नहीं हुआ था ना? तो इतिहास में पढ़ के देख लो ना कि अबू तालिब बायकॉट होने वालों में है या करने वालों में। बायकॉट होने वाले तो इत्तेफाक की बात यह है कि बायकॉट के बाद रसूल जिस जगह रहे वो घर भी अबू तालिब के ही नाम से था, शेर अबू तालिब, अबू तालिब की घाटी। तो कमाल की बात है, ये जुमला कहूंगा पता नहीं आपने से कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा, पर जिनके मक्के मदीने में 6x6 के कमरे ना थे वो तलीम हो गए। जिसकी घाटी थी शेर अबू तालिब, अबू तालिब की घाटी, आपको उसी का ईमान समझ में नहीं आता? यकीन जानिए अबू तालिब का इश्क मोहम्मद, अबू तालिब का इश्क मोहम्मद इतना बुलंद था कि खुदा को भी अबू तालिब के इश्क मोहम्मद पे घमंड था, नाज था। अब अगर जुमले समझ सको तो यह आखिरी जुमला अपनी तकरीर का बोलने जा रहा हूं। 10-12 साल पहले मैंने ये जुमला पढ़ा था, मैं यहां फरीदाबाद को आकर दोहरा रहा हूं। देखो ऐसा है, बेटा सामने होना तो कोई भतीजे का नारा नहीं लगा,
ये क्या तरीका है कि बस ये तरीका से पली के लिए मैं क्या बताऊंगा कि अल्लाह ने घर अपना चुना, रास्ता नया चुना, मिल पर भी कचारे कर चुना, अली के मौला होने का ऐलान अपने रसूल की जबान से करवाया ताकि आप कह सके कि हमें कुरान भी मोहम्मद ने दिया और अली भी मोहम्मद ने दिया, ताकि आप अमल की दुनिया में एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में अहले बैत को साथ लेके चल सके, ताकि आपके बैलेंस बरकरार रख सके, न कुरान छूटे न अहले बैत छूटे। यहां आप दोनों का रिश्ता बड़ा अजीब है। हमारे यहां अलामा साहिबाल के बड़ा खूबसूरत जुमला वो कहते हैं कि इस घराने का कुरान से क्या रिश्ता है तुम क्या जानते, तो बाप आता है तो कुरान पढ़ता हुआ आता है, बेटा जाता है तो कुरान पढ़ता हुआ जाता है, गर्दन कट गई और कुरान की तिलावत हो रही है। ए हुसैन के चाहने वालों कुरान न छोड़ना, तिलावत कर अपने बच्चों में कुरान का खातिर पैदा कर, जो कि जो कुरान की खिदमत करता है समझो उसने अहले बैत की खिदमत की, और जिसने अहले बैत की खिदमत की समझो उसने कुरान की खिदमत की। ये कुरान वाले ये अहले बैत वाले लोग कहीं परेशान नहीं है। अब जब ये दो सामने हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि कौन किसका वारिस है। तो बहुत सीधी सी बात है, एक बाप अपने बच्चे के पास दो चीजें छोड़ता है, एक जिंदा औलाद छोड़ता है और एक खामोश सराहत उठी हुई फसल तरह पागार छोड़ता है। बताओ बाप बच्चे का मालिक होगा या बच्चा बाप का मालिक होगा, बताओ बच्चा खेत का मालिक होगा या खेत बच्चे का मालिक होगा। तो आप कहेंगे जो बोल रहा है जिसकी जबान है वो मालिक होगा उसका, जिसकी जबान नहीं है। दुनिया की अदालत में कब असर थी, अकल की अदालत कब से कब थी, तब आपको देखना है तो आप देख लीजिए कि वैसा क्या है और बारिश को कुरान खामोश किताब है, अहले बैत बोलती हुई किताब। पर ये तो पैगंबर ने पहले ही तय कर दिया कि किसी हदीस की वसूख को सनद को चेक करना तो कुरान की आयत के सामने रख दो, अगर आयत के खिलाफ हो तो हदीस नहीं है। क्या करेंगे लोग, हम परेशान कभी नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि भाई के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, ए को एपत भी पढ़ाया जाता है और फिर एपत की तस्वीर भी दिखाई जाती है, यानी ए को एपत के साथ एपत की तस्वीर दिखाते इसलिए ताकि कोई धोखा ना दे, कोई दूसरा फल दिखा ना। हमें नदीर में जो अली मिला ना वो नबी ने बताया और उठा के दिखाया, जबान से बोला कौन अली, हाथों से दिखाया ये अली, तो हमारे यहां धोखा आ ही नहीं सकता। और उसी अली की जिंदा तस्वीर है हुसैन, और बात नहीं है मुझे यहां से दूसरी जगह जाना है कल तो आम जो मजलिस पढ़नी है, इसलिए बड़ी मानसत के साथ आप शाकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करके इसी तरीके को करवाला हूं। हम पे एक इल्जाम लगाया जाता है कि माशाल्लाह हम गालियां देते, हुजूर हम गालियां नहीं देते, लानत जरूर भेजते, और लानत इसलिए भेजते हैं क्योंकि लानत का मतलब कहीं से कहीं तक गाली नहीं हो। लानत एक ऐसी कसम है जिससे आप अपने आप को उस अमल से दूर कर लेते हैं जो उसने किया है जिस पर आप लानत भेज रहे हैं। आप सारे कुत्ते उठा के देखिए कर्बला, हम हुसैन के साथ जो कुत्ते दिए हैं उसने क्या किया, खुदा की तारीफ, रसूल की तारीफ, कुरान की तारीफ, अहले बैत की तारीफ, इमाम हुसैन की तारीफ, अपनी शिकायत की बात, गाली नहीं, क्योंकि हमारे गाली दी नहीं जाती, गाली तो कहीं और दी जाती थी, मेंबरों से 27 साल तक दी गई, हमारे यहां नहीं दी जाती, हमारे
हमारे यहाँ तो बस आपको वक्त कहा जाता है, बातिल को बात। इस बात पर समझौता नहीं करते कि किसी की खुशी के लिए हम जुमा को खुद करते और खुद को जुमा करते, ये हम नहीं करते और ये हमसे नहीं। हम सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, अच्छे को अच्छा कहेंगे, पूरे को पूरा कहेंगे। जिसका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का जिक्र करेंगे, अच्छा होगा तो तारीफ करेंगे, बुरा होगा उनको तो उसके घर में जाके कहेंगे भाई तू बुरा। हम तो डरते ही हमारे यहां अब पता नहीं मैं आपको समझा पाऊं कि न समझा। हमारे यहां हर शिया में एक मुख्तार होता है, इस जुमले को खुदा के वास्ते महफूज कर लेना, बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूं। हर मौलाई में एक मुख्तार होता है, चाहे वो खामोश बैठा हो, तुम्हें अगर पता करना है कि वो मुख्तार उसमें है कि नहीं, परेशान ना हो, जिस दिन भी तेसरे साल सामने आ जाएगा, जिस दिन भी गुरमुला सामने आ जाएगा, जिस दिन भी यजीद सामने आ जाएगा, जिस दिन भी यजीदी सामने आ जाए, उसका मुख्तार बाहर आएगा। मैंने पढ़ लिया आपके सामने, बयान कर लिया मैं, चलो मैं बता सकता अर्जी कर बला, मेरा बच्चा है बेगुनाह, है तहरे बेवफा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, मेरा है तालिबों ने मेरे नूरे हैं और है जुल्फकार दूसरे में लूंगी उस है तो सारे मुसलमानों ने जो दावे किए हैं दीन हासिल करने के, वो या तो इमाम मालिक से या इमाम शाफी से या इमाम अहमद बिन हंबल से या इमाम अल-बुनी को सही से तो हासिल किया है। ये या डायरेक्ट या शागिर्दों की शागिर्द की हैसियत रखते हैं। छठे इमाम कब आप अंदाज लगाएंगे? आप सोचिए कि जो आपका इमाम है उसने दीन कैसे फैलाया, किस तरह फैलाया। बताते हैं आंसू का वो कतरा, आंसू का वो कतरा, एक कतरा, वो एक कतरा हजारों कतरा की बात करो, वो एक कतरा जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। एक कतरा अगर कोई हमें हुसैन में हो, अब ये दलील पेश करते हैं साहब शहीद हो गए तो आप क्यों रो रहे हैं? भाई अब हुसैन की शहादत नहीं होते, हुसैन की मजमूनियत, हुसैन की बेबसी पे, हुसैन की बेबसी पे, हुसैन के प्यास पे होते हैं, हुसैन के अदश पे होते। हम उस वादे पे होते हैं जिसमें बेचैन मां कहती बाबा जब मेरा बेटा दुनिया से जाएगा तो आप मौजूद हो, मैं नहीं मिलेगा, अली नहीं बेटा, मैं नहीं तो मेरे बेटे पे रोएगा कौन? मेरे बेटे हुसैन पर रोएगा। और क्या कहा? अभी अभी जिब्राइल आए हैं और मुझे खबर दी है कि खुदा एक खौफ पैदा करे, जिसके जवान तेरे जवानों पे, जिसके बच्चे तेरे बच्चों पे। चलो कर पता चलते आखिरी सवारी हुसैन बस चल चुके हो सब साहेब के सुन लो मेरी तमाम आखिरी सवारी السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکم السلام حسین حسین باہر زلجنہ کے پاس مجھے نہیں پتا دائنے دیکھ کے کیا یاد آیا ہو اور بائنے دیکھ کے کیا یاد آیا حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا میں بس دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں حسین میدان میں آئے چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش بھی میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکتا 82 بار میرے مولا نے اٹھنے کی کوشش کی جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء ادھر ایک بے چین بہن ہے
जो कहने से बाहर निकली, दिले दड़बिया की बुलंदी तक आई, कह दिया आसमान मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। अल्लाह हाफिज की बात हुसैन मरहूम का जुमला नकल कर रहा हूँ, मजलिस से ही खत्म कर दूंगा। आसमान मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता, ए तुम जना मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। फिर फरमा दिए जमीन है करवाला, दिखा तो सही मेरा हुसैन कहाँ है। उधर हुसैन ने जमीन है करवाला को उठता हुआ देखा, सवाल किया जमीन है करवाला तू क्यों बलंद हो रही है। जमीन है करवाला कहती मौला जैनब पुकार रही है। फरमाने लगे वापस पलट, मेरी जैनब मेरे जख्मों को नहीं देख सकती। जजाक मुल्ला मैं कहूंगा मेरे मौला, ए मेरे मौला तो जख्मों को नहीं देख सकती, 70 कदम के फासले पे शिविर का बनकर कैसे देखेगी। जजाक मुल्ला आखिरी जुमला मसाए कौन में जिस तमाम है वो तो सुलझना तेरे खैफा पे आया। सारी बीवियों ने हल्का किया, 4 साल की वो सैदानी जिसका नाम सकीना है, उसके वकार और जलाल पे याद रखा कि जब वो आ रही तो बीवियों ने रास्ता दिया। सुलझना बैठ गया, पेशानी पे लगे हुए खून को जमीन पे वाला, सकीना ने खून की खुशबू महसूस की, फूफी का दामन पकड़ा, फूफी अम्मा बाबा के खून की बू आ रही है, हाल हाल मेरा पाराया मारा गया। बोलो सैयद सज्जाद की छोटी बहन सकीना आगे बढ़ के सुन जना से ये कहती है, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी पापा को कहाँ छोड़ा, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी पापा को क्यों छोड़ा, बस इतना बता।